वेलकम बैक ऑन माय वीडियोस। मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आप लोगों का सर खाने के लिए। कल शाम को मैं गई थी फैमिली के साथ फैमिली गाला अटेंड करने के लिए, सो मैंने सोचा उसकी वीडियोस वगैरह आप लोगों से शेयर करें। वहाँ जाके मैंने खाए गोलगप्पे, और गोलगप्पे खाने के बाद गोलगप्पा बन के मैंने खाई वहाँ पे आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद मैंने की ऊंची सारी स्क्रीम, बिकॉज वहाँ पे आ गई थी आंधी, और आंधी आने की वजह से हर तरफ हो गई थी मिट्टी मिट्टी। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, हम लोग थे भाई VIPs, तो हमें दिया गया VIP प्रोटोकॉल और हम लोगों को लेके जाया गया एक VIP कैबिन के अंदर, जहाँ पे कदम रखते साथ ही जो पहला जुमला मेरे लबों पे आया वो ये था कि ठंडा मोल ते मिठे चोल, बिकॉज वहाँ पे चल रहा था फुल AC, और यहाँ पे एक ये चूटे माइयाँ वाली चेयर भी मौजूद थी जिसके ऊपर बैठ के मैंने बहुत ही ज़्यादा से चूटे माइयाँ ली। और उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो यार हूँ छड़ो इस कुर्सी में भी तो चलो कार, बिकॉज उन्होंने भी सामने किया कि हूँ असी थोड़े अगे हाथ जोड़ते हैं, इतों वापस तुर जो असी बंद करना है। तो फिर हम लोग जा रहे थे वापस, और जाते हुए इन्होंने एग्जिट पे की हुई थी इतनी ब्यूटीफुल सी लाइटिंग, तो इस लाइटिंग में मुझे ज़रा याद आ गई माधुरी दीक्षित की, और मैंने कहा कि चले हम भी यहाँ पे ला 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 वाले पोज कर लेते हैं। लेकिन भाई हवा की वजह से हमारा दुपट्टा फिटे मुँह ही जा रहा था, उड़ ही नहीं रहा था, कभी इधर कभी उधर, हमारा तो कुछ नहीं सही से कैप्चर हो सकता। बहरहाल देसी माधुरी दीक्षित बनने के बाद हम लोग गुटरगूँ करके जा रहे थे वापस, और गुटरगूँ करके वापस जाते हुए हमें नज़र आया एक बच्चों वाला पार्क, जिसमें एंट्री मारते हुए हरीन मेरी छोटी बहन कि आप देख लें जी कितनी खुश है और कितनी चवलियाँ और शुखियाँ मारी है। खैर बच्चों के दिन ने यही इंजॉय करने वाले करने दो। चलते चलते हम पहुँचे एक झूले की तरफ जो कि था बच्चों वाला झूला, बच्चों वाली स्लाइड जो कि मैंने भी ली लेते हुए मुझे बड़ी शर्म आई थी, बिकॉज सारी वहाँ मुझे देख रही थी कि लड़की कर क्या रही है, बच्चों वाला झूला है। फिर मैंने कहा यार हम भी बच्चे हैं, दिल जवान होना चाहिए, जिसमें मैं क्या रखा है। बाहर अलग यहाँ पर भी मैम आ रही थी चवड़ियाँ, और चवड़ियाँ मारने के बाद जी ऐ वेखो ऐ लो इतने खड़ी की हुई सी लिबर्टी भैन जी मिशाल फड़ा के, एदा भले इतने की काम में, पर कौन पूछे पाकिस्तानियों। वहाँ पे जी एक और स्लाइड मौजूद थी जो कि बड़ों के लिए थी, क्योंकि वो बड़ी स्लाइड थी, इसको मैं तो यही कहती हूँ पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, इसको भी मैंने लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स थे जी, मामा डैडी, उनको भी हम लोगों ने थोड़े बहुत झूले दिए, और ये सुनिएगा ज़रा। तो हमें पता चला कि मेरे बाबा को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ये बच्चों वाले झूले पे भी, वो इस तरह से कह रहे थे कि मत करो बस करो बस करो तो ये भी हमें कल ही पता चला कि वो डरते हैं झूलों से, लेकिन वो ये चीज़ नहीं मानते। बहरहाल अब आप वेट करें पार्ट 2 का, और पार्ट 2 में मिलते हैं और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।